जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जंग इंसानियत और शैतानियत की है, नेकी और बदी की है। और कुदरत का उसूल है कि नेकी बदी की हर जंग में फतह नेकी की होती है। मैंने इस जंग में सिंदबाद के साथ चकमा का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। सुनो सौदागर, गुलामों का सौदा करने आए हो? कितने गुलाम चाहिए? हमें ऐसा गुलाम चाहिए जिसके मुंह में जुबान ना हो। बेजुबान गुलाम यानी के गुंगा? जी हाँ, खामोश गुलाम। अरे कहां मर गई कमबख्त दर निगार? मैं आ रही हूं मां। कहां मर गई थी? देख रहा है बेटे चकमा, तेरे जादू के असर से अब ये बेलगाम घोड़ी कैसे काबू में आ गई? पहले कैसे इतलाती फिरती थी, मटक मटक कर चलती थी, और अब कैसे अटक अटक कर चल रही है। हाँ माँ, मैं इसे दुल्हन बना रहा था मगर ये दुश्मन बन गई मेरी, जहर देकर मुझे मार देना चाहती थी। अगर तूने अपने जादू के असर से उसे आजाद कर दिया तो फिर दे देगी तुझे जहर। नहीं माँ, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इसे मनमानी करने के लिए आजाद छोड़ दूं। तुम इसे छोड़ो या ना छोड़ो मगर हम इसे छुड़ाने आए हैं। तुम इसे जबरदस्ती उठा लाए थे और हम इसे जबरदस्ती यहां से ले जाएंगे। आओ तुम लोग, और मेरी इजाजत के बगैर मेरी ही गार में कैसे घुस आए हो? अगर तुमने जरनिगार को शराफत से नहीं आजाद किया तो समझ लो हम तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। अरे अरे, तुम मेरे सामने ही मेरे बेटे को मारने की बात कर रही हो? अगर चकमा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंख नोच लूंगी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आंखें नोचनी है ना तो अपने बेटे की आंखें नोच, जो शरीफ इंसानों की बहु बेटियों पर बुरी नजर डालता है। खामोश बदज़बान, मैं तेरी ज़बान खींच लूंगी। चकमा, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों कौन है? इनको भी रोटियां ला दूं? नहीं। ये जरनिकार को क्या हो गया है जकाला? इन मर्दूदों ने अपने शैतानी तिलिस्म से इसके जिस्म और जहन पर काबू कर रखा है। ये किसी को पहचानती तक नहीं। तुम दोनों भी किसी को पहचानोगे नहीं, हम दोनों भी तुम्हारी यही हालत कर देंगे। ए बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं है। मैं शरीफों के साथ शराफत से और दुश्मनों के साथ अदावत से पेश आती हूँ। मैं जकाला हूँ जकाला, और तेरे लिए आफत की परकाला हूँ, समझी बुढ़िया? मेरी माँ को धमकी दे रही है तू? मैं अभी तुझे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, औरतों के बीच तेरा क्या काम? तो मुझसे लड़, मैं तेरा काम अभी तमाम कर देता हूं। (laughs)
मुझे कोई नहीं मार सकता। ऐ आदमजाद, तेरा कोई वार कोई हथियार मुझे नहीं मार सकता, ना कोई तीर ना तलवार मुझे नहीं मार सकती। चकमा, अगर तू किसी हथियार से नहीं मर सकता तो मेरे पास तेरी मौत का एक और सामान है, आबशारे कजा का कातिल पानी। आबशारे कजा का पानी? माँ, ये मुझे आबशारे कजा के कातिल पानी से कत्ल करना चाहता है। ऐ आदमजादो, मैं तो समझता था कि आदमजाद बड़े अकलमंद होते हैं, मगर तू निरा अहमक निकला। मरता तो वो है जो जानदार होता है, मैं तो बेजान हूँ। बेजान? हाँ, मेरी जान मेरे जिस्म नहीं। मैंने अपनी प्यारी प्यारी जान को कहीं और छुपा रखा है। चकमाक! नहीं नहीं नहीं, अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे बचा ले बेटे, मुझे बचा ले। मेरी माँ को छोड़ दे आदमजाद, इसे मत मार, छोड़ दो इसे। तो फिर तू भी जरनिगार को अपने तिलिस्मी जाल से आजाद कर दे, नहीं तो अभी करता हूँ। जल्दी कर बेटा, इस मनहूस लड़की को जल्दी आजाद कर दे, वरना ये खतरनाक आदमजाद मुझे जली हुई रोटी की तरह जलाकर खाक कर देगा। अरे जल्दी कर मर्दूद, वरना तेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। घबराओ मत जरनिगार, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मुझे यहाँ से ले चलो सिंबाद, खुदा ना ले चलो। चकमाक, मेरा नाम सिंबाद है, और कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद तूने फिर कबीले की या आदमजात किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो न तू बचेगा और न तुझ जैसे शैतान को पैदा करने वाली माँ। चलो सकाला। हाँ सिंबाद, आज इस मर्दूद के लिए इतना सबक काफी है। चलो अब हाथ पकड़ लो। अब फिर मुझे ढेरों रोटियां पकानी पड़ेंगी। माँ, बहुत भूख लगी है। चुप रहे कमबख्त, बेचू कहीं का। तो तुम्हें एक गुलाम चाहिए जो बेजुबान और खामोश हो। बड़ी अजीब जरूरत है, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि जब एक से बढ़कर एक गुलाम मौजूद हैं, तो फिर तुम्हें एक खामोश गुलाम की तलाश क्यों है? तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, हम अपने वादे के मुताबिक
तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, और अगर ना हो या इससे पहले तुमने किसी को कोई ऐसा गुलाम बेचा हो तो हम उससे दोगुनी तिगुनी कीमत में खरीदेंगे। इत्तेफाक से एक गुलाम मौजूद है मेरे पास। तुम्हारे पास अगर खामोश गुलाम है तो फिर उस खामोश गुलाम की कीमत बताओ। कीमत 20,000 दिनार। 20,000 दिनार तो हम अभी दे रहे हैं, ये रहे 10,000 दिनार। ये रहे बाकी के 10,000 दिनार। अब उस खामोश गुलाम को हमारे हवाले कर दो। इतनी जल्दी क्या है, कीमत के अलावा एक शर्त भी है, पहले वो तो मान लो। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? इस आतिशबाज को आतिशबाजी का बड़ा शौक है, इसलिए कारोबार और शौक मैं एक साथ करता हूं। अगर तुम्हें खामोश गुलाम की जरूरत है तो तुम्हें मेरी ये शर्त माननी होगी। अगर तुम्हें मेरी वो शर्त मंजूर नहीं है तो लो ये अपनी रकम और चले जाओ। शर्त बताओ। शर्त ये है कि तुम में से किसी एक को आतिशबाजी का वो खेल जो मैं खेला करता हूं वो खेलना होगा। मुझे मंजूर है। नहीं नहीं आसिफ, ये खतरनाक खेल मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगी। तो फिर वो खामोश गुलाम तुम्हें नहीं मिलेगा। कशा, घबराओ मत, ये खेल आसिफ को खेलना चाहिए और इसे कुछ नहीं होगा। मगर मुझ पर भरोसा नहीं है। आसिफ खेल शुरू करो। तुम्हें अपने दोनों हाथ जलाने होंगे और अगर आग से बच गए तो खामोश गुलाम तुम्हारा। तुम्हें जरा भी जला नहीं रही है। ये तो वाकई कमाल है। ये कमाल तूतन फितना की रूह का है। आग रूह को जला नहीं सकती, और हाँ किसी इंसान के जिस्म में किसी रूह का कब्जा हो जाए तो उस इंसान का जिस्म भी आग से नहीं जलता। वो देखो तूतन का मोमी पुतला कैसे बेजान खड़ा है। फितना की रूह सबकी आंख बचाकर आसिफ के जिस्म में दाखिल हो चुकी है। वाह भाई वाह, आज तो तुमने मेरे ही खेल में मुझे मात दे दी। तुम जीत गए, मैं हार गया। अब ये आग तुम बुझा सकते हो।
अब वादे के मुताबिक खामोश गुलाम तुम्हारा। अब मैं उस खामोश गुलाम को तुम्हारे हवाले करता हूं। आओ मेरे साथ। तुम्हारा खामोश गुलाम हाजिर है। यूं तो इसे खामोश गुलाम कहा जाता है, मगर इसका असल नाम कुछ और है। हम खुद ही इसे पूछ लेते हैं। पूछो। देखो, हमने तुम्हें खरीद लिया है, क्या तुम हमें अपना नाम नहीं बताओगे? हम तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम सुनना चाहते हैं। ये कुछ नहीं बताएगा। मेरे सामने आज तक इसने एक लफ्ज तक अता नहीं किया है। इसे यूं ही खामोश गुलाम थोड़े ही कहा जाता है। ए खामोश गुलाम, क्या कुछ भी तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? देखो खामोश गुलाम, हमने तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि आजाद कराने के लिए खरीदा है। आज के बाद तुम आजाद हो जाओगे, इसलिए बताओ हमें। बात दरअसल ये है कि हमें खामोश गुलाम की ही तलाश है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या तुम ही खामोश गुलाम हो। ये कुछ नहीं बोलेगा, चाहे तो शर्त लगा लो। अरे, ये तो किसी को कुछ नहीं बता रहा है। मैंने पहले ही कहा था ये कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बात का यकीन करो, ये वाकई खामोश गुलाम है। तुम सबने पूछकर देख लिया है, अब मैं पूछती हूं। देखो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम वाकई खामोश गुलाम हो, तभी हम तुम्हें आजाद कर सकेंगे। तुमने शायद अपनी जबान बंद रखने की कसम खा ली है, मगर क्या तुमने अपनी आंखें भी बंद रखने की कसम खा ली है? मेरी तरफ देखो, देखो और बोलो, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? तुम खामोश गुलाम हो? मेरी तरफ देखकर बताओ, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? बताओ, बताओ मुझे। मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? कहकशां, छोड़ दो मेरे बाल कहकशां। ताज्जुब है, आज इसने अपनी जबान कैसे खोल दी? इसका मतलब है ये वो खामोश गुलाम नहीं हो सकता। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात ये है, ये मेरा नाम कैसे जानता है? मरता वो है जो जानदार होता है, मैं तो बेजान हूँ। बेजान? हाँ,
मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं। मुझे बचा ले बेटे, मुझे बचा ले। अरे जल्दी कर मर्दूद, वरना तेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। मेरी तरफ देखो, देखो और बोलो, क्या तुम खामोश गुलाम हो? तुम खामोश गुलाम हो? क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? कहकशा, छोड़ दो मेरे बाल कहकशा। इसका मतलब है ये वो खामोश गुलाम नहीं हो सकता। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात ये है, ये मेरा नाम कैसे जानता है? यकीनन ये वो खामोश गुलाम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ही खामोश गुलाम हूँ। अब मुझे खामोश रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ आप मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँच गए। दरअसल मुझे आपकी ही तलाश थी। मगर ये सारा किस्सा क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब समझा दूंगा, मगर यहाँ नहीं, पहले मुझे यहाँ से ले चलिए। कहकशां, इसकी आजादी की कीमत हमने चुका दी है, इसलिए इसे यहाँ से ले चलने में कोई हर्ज नहीं है। ऐ आतिशबाज, हम इस गुलाम को अपने साथ ले जा रहे हैं। कीमत मुझे मिल चुकी है, तुम इसे ले जा सकते हो। मगर जाने से पहले इतना बताते जाओ कि वो राज क्या है, कि आग तुम्हें जला क्यों नहीं सकी। ये राज तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि आग का खेल मैंने नहीं, किसी और ने दिखाया था। किसी और ने दिखाया था? आतिशबाज, ये भी एक राज है। राज के पीछे और एक राज? ताज्जुब है। चलो आओ। मैं तो खुद को ही बड़ा आतिशबाज समझता था, मगर यहां तो मेरे भी उस्ताद पड़े हैं। आसिफ, मुझे शक है कि जिस खामोश गुलाम को हम आजाद कराना चाहते थे, ये गुलाम वो नहीं। तुम्हें ये शक क्यों हुआ कहकशां? क्योंकि हमराज हर्फी की शर्त के मुताबिक जजीरा खयाबान के खामोश गुलाम को हम आजाद करा चुके हैं। हाँ, तो फिर? तो फिर शहजादी तस्वीर तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद क्यों नहीं हुई? अरे हाँ कहकशां, इस गुलाम ने तुम्हें नाम लेकर क्या पुकारा, हम अपना असल मकसद ही भूल गए। तुम दोनों एक बात और भूल रहे हो। कौन सी बात? याद है हमराज हर्फी ने कहा था कि खामोश गुलाम का ताल्लुक शहजादी तस्वीर की आजादी से ही नहीं बल्कि कहकशां से भी है। अरे हाँ हाँ, वाकई हमराज हर्फी ने यही कहा था। बेहतर है कि इस मुश्किल का हल हम शहजादी तस्वीर से ही पूछ लेते हैं। तुम्हारी मुश्किल मैं समझ गई हूँ आसिफ। अगर समझ गई हो तो उसका हल बताओ शहजादी तस्वीर। गुलाम को गौर से देखिए आका, कहीं गुलाम के आजाद होने में कोई कसर तो नहीं रह गई? देखो अल-नासिर, गुलाम के हाथ तो अभी तक बंधे हुए हैं। अरे खामोश गुलाम तो सचमुच ही बड़ा शरीफ और खामोश तबीयत का है। अब तक इसके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी ये खामोश है। अल-नासिर, फौरन इस गुलाम के हाथ खोल दो। जी। आ,
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोहसिन, शुक्रिया आसिफ, कहकशा, अलनासर और तूतन फितना। शहजादी तस्वीर को उम्मे खबीस के तिलस्मी आईने की कैद से आजाद कराने के लिए तुम सबका शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया ऐ अजनबी गुलाम। मैं नहीं जानती कि मेरे तिलस्मी कैद से तेरा क्या ताल्लुक था, मगर तू मेरी आजादी का अहम सबब है। शहजादी तस्वीर तेरी शुक्रगुजार है। गुलाम का शुक्रिया अदा करके गुलाम को शर्मिंदा न करे शहजादी। मुझे खुशी है कि मैं तेरी रिहाई का सबब बना, मगर यह भी सच है कि इसी बहाने मैं उस गुलामों के सौदागर आतिशबाज के चुंगल से आजाद हुआ। इस दोहरी खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए। हम जरूर खुशी और जश्न मनाते कहकशा, अगर सिंदबाद खबीज खरबान की कैद में ना होते। सिंदबाद अब खबीज खरबान की कैद में नहीं है आसिफ। क्या क्या क्या? हाँ आसिफ और कहकशा, जकाला ने सिंदबाद को खबीज खरबान की कैद से आजाद करा लिया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। आसिफ, सिंदबाद की आजादी का जश्न हमें जरूर मनाना चाहिए। बेशक आका, सिंदबाद की आजादी से बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है। एक खुशखबरी गुलाम जरमान के पास भी है आप सबके लिए। क्या खुशखबरी? कैसी खुशखबरी गुलाम जरमान? वो खुशखबरी जो एक राज की तरह मेरे सीने में महफूज है, और इसी राज की हिफाजत के लिए इस गुलाम जरमान ने अपनी जबान पर खामोशी के ताले लगा लिए थे। क्या ये वही राज है जरमान, जिसे तुम गुलामों के सौदागर आतिशबाज के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे? हाँ कहकशा, हमें राज जानने के लिए बेताब है कि तुम आखिर कहकशा को कैसे जानते हो। अब वो राज जाहिर भी कर दो जरमान। वो राज ये है कहकशा कि तुम्हारे वालिद मरहूम अल्फाक सरवरी और तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी का मैं गुलाम हूँ, और जब वो तिजारत की गरज से मिस्र जा रहे थे तो उस सफर में मैं भी उनके साथ था। समुद्री तूफान में भटक कर हमारा जहाज एक अनजान जजीरे पर पहुँच गया, जहाँ तुम्हारे वालिद अल्फाक सरवरी ने एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला जो कारून के खजाने से कम न था। ताउन की जान लेवा बीमारी का शिकार होकर मरने से पहले आका अल्फाक ने खजाने का नक्शा दो हिस्सों में महफूज करवा दिया। खजाने के इस नक्शे के खातिर समुद्री लुटेरे कज़ाक बिन रज़ाक ने तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी को कत्ल कर दिया। खजाने का दूसरा नक्शा मैंने समंदर में फेंक दिया, और मेरी जुबान ना खुल जाए इस डर से मैंने समंदर में छलांग लगा दी। क्या क्या तुम वही गुलाम हो जिसके बारे में हमरा झरफी ने बताया था? हाँ कहकशा, वक्त की गर्दिश और मुश्किलों ने मेरी हालत इतनी बदल दी है कि मेरी पहचान और मेरी शनाख्त मुश्किल हो गई है। वाकई जरमान, हम तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। ये मेरी बदनसीबी है। मगर बदनसीबी का साया अब उठ चुका है जरमान, तुम पूरी तरह आजाद हो। हाँ मैं आजाद हूँ, मगर अपने आका अल्फाक सरवरी की बेटी कहकशा की खिदमत और हिफाजत के लिए। जरमान, समंदरी लुटेरा कज़ाक बिन रज़ाक खजाने के लालच में मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जबकि मैं खुद नहीं जानती कि खजाना कहाँ है। आपके इस गुलाम के अलावा और कोई नहीं जानता कि वो खजाना कहाँ है, जिसके हकदार सिर्फ आप हैं। मगर ये राज किसी पर जाहिर न करना जरमान। हाँ जरमान, खजाने के लालच में लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। कज़ाक बिन रज़ाक के पास खजाने तक पहुँचने का आधा नक्शा पहले से ही मौजूद है, और बाकी का आधा नक्शा हासिल करने के लिए वो अपनी जान पर खेलकर हमारा पीछा कर रहा है। अगर कज़ाक को पूरा नक्शा मिल जाए तभी वो खजाने तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि गुलाम जरमान के बगैर खजाने का नक्शा पूरा होने के बावजूद भी अधूरा ही रहेगा। वाह, अब अपने इस गुलाम को इजाजत दीजिए कहकशा कि आपके वालिद की वसीयत के मुताबिक जब तक आपको वो खजाना मिल नहीं जाता तब तक आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए यह जरमान आपके साथ ही रहेगा। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे जरमान? हाँ जरमान, अब तुम हमारे साथ जजीरा चकमाक चलोगे आका सिंदबाद के पास।
जरनिगार आ गई, हमारी जरनिगार वापस आ गई। जरनिगार, खुदा का शुक्र है कि तू चकमाक जिन के पंजे से जिंदा सही सलामत वापस आ गई। हमने उस जालिम जिन चकमाक को वो सबक सिखा दिया है कि अब वो कबीले की किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वाह सिंदबाद, तुमने तो कमाल कर दिया। हम बता नहीं सकते कि जरनिगार को दोबारा अपने सामने देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। क्या ये खुशखबरी अपने सरदार को नहीं दोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सरदार, 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 जरनिगार वापस आ गई। क्या, जरनिगार वापस आ गई? हाँ सरदार, सिंदबाद आपकी बेटी को वापस ले आया है। कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? जरनिगार, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। बाबा। बेटी, सिंदबाद, मैं किस जबान से अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारी वजह से आज एक बेबस बाप को उसकी खोई हुई बेटी मिल गई। जरनिगार को बचाकर तुमने इस कबीले की आबरू बचा ली है सिंदबाद। सरदार जिंगारू, शुक्रिया तो उस खुदा का अदा करो जिसने सही वक्त पर जकाला को मेरी मदद के लिए भेज दिया। जकाला, सरदार जिंगारू तुम्हारा भी एहसान मंद है, शुक्रगुजार है। इसमें एहसान की क्या बात है जिंगारू, मेरे मौसिन सिंदबाद की मदद करना मेरा फर्ज था। और अब एक फर्ज मैं भी अदा करना चाहता हूँ। फर्ज? आप किस फर्ज की बात कर रहे हैं सरदार जिंगारू? वो फर्ज जो हर बाप के लिए औलाद के लिए कर्ज होता है, और ये फर्ज, ये कर्ज अदा करने में हर बाप खुशी महसूस करता है। सरदार जिंगारू, कहीं आप अपनी बेटी के हाथ पीले करने की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ जकाला, कबीले की रस्म के मुताबिक सिंदबाद और जरनिगार एक ऐसे मुकद्दस रिश्ते में बंध गए हैं जिसे तोड़ना गुनाह है। अब मैं सिंदबाद और जरनिगार की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूं। मगर सरदार, तुम तो जानते हो कि मैं जजीरे चकमाक में शादी करने नहीं, किसी और मकसद से आया हूं। अनहोनी बात कभी होती नहीं, और होने को कोई टाल नहीं सकता सिंदबाद। हमारे कबीले की लड़कियां इतनी बेहया और बेगैरत बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी अजनबी इंसान के गले में फूलों का हार डाल दें, जबकि वो कबीले की बरसों पुरानी रस्म को अच्छी तरह से जानती हैं। अगर जरनिगार ने तुम्हारे गले में फूलों का हार डालकर तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लिया है, तो हो सकता है इसमें वो खुदा की कोई मसलहत हो या कुदरत का कोई राज छुपा हो। हाँ सिंदबाद, तुम्हें इस शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। सरदार जिंगारू, जब हर तरफ से इकरार है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? सिंदबाद, खुदाई कानून के मुताबिक तुम दोनों शादी के बंधन में बंध गए हो, मगर कबीले की पुरानी रस्म के मुताबिक मियां बीवी मानने के लिए एक दूसरे को ये फूलों का हार डालना भी जरूरी है। मुबारक हो, मुबारक हो,
कबीले के रिवाज के मुताबिक सारी रस्में पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तुम दोनों कबीले के रस्म के मुताबिक भी मियां बीवी बन गए हो। बाबा, हर कदम पर मेरे शोहर की कामयाबी और उनकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। अल्लाह सदा सिंदबाद को सलामत रखे और हर मुहिम पर कामयाबी दे, और बेटी खुदा तुम्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए। नहीं बाबा, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ बाबा, गुमनाम लंबी जिंदगी लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मेरा नाम हो, मैं लोगों के काम आ सकूं और लोग मुझे सदा याद रखें। माँ बाप तो औलाद की खुशियां चाहते हैं बेटी, इसलिए मैं तो यही दुआ करूंगा कि खुदा सदा तुम्हें खुश रखे और हर नेक काम में तुम्हें कामयाबी अता करे। शुक्रिया बाबा। जकाला। जकाला, आप हमें दुआ नहीं देंगी? जिसे सिंबाद जैसा शौहर मिला हो और सिंबाद को जरनिगार जैसी बीवी मिली हो, उसे दुआओं की क्या जरूरत है? हाँ। फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम दोनों को बहुत खुश रखे। आओ, कबीले के रस्म के मुताबिक माँ जिम्बा से भी दुआएं ले लो। जरूर। आओ मेरे पास आओ कबीले की बेटी, तुम हमसे दूर जा रही हो ना? जरनिगार, तू अपनी बातों के पर्दे में अपने दिल की बात चाहे छुपा ले, मगर मेरी तिलिस्मी नजर सब देख रही है कि तू कौन सी कुर्बानी देने जा रही है। सब लोग तुझे दुल्हन के जोड़े में देख रहे हैं, मगर मेरी तिलिस्मी नजर मुझे दिखा रही है कि ये जीता जागता बदन जल्द ही कफन ओढ़ लेगा, कफन ओढ़ लेगा। मगर तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जजीराए चकमाक जालिम जिनों के चुंगल से आजाद हो जाएगा, जरूर आजाद हो जाएगा। क्या हुआ माँ सिम्बा? कुछ नहीं, मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, सब जान चुकी हूँ। सिंदबाद को अपना शौहर तस्लीम करके तूने हम सब पर बड़ा एहसान किया है। ये एक यादगार और अनोखी शादी है। तूने सिर्फ सिंदबाद से ही नहीं, अपने मकसद से भी शादी की है। जरनिगार, तुझे ये कबीला हमेशा याद रखेगा और जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहेगा। आ, गले लग जा बेटी, गले लग जा। आ, जरनिगार कल तक हमारी थी, आज तुम्हारी हो गई। हमें राज जानने के लिए बेताब है कि तुम आखिर कहकशा को कैसे जानते हो। वो राज ये है कहकशा, कि तुम्हारे वालिद
मरहूम अल्फाक सरवरी और तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी का मैं गुलाम हूँ। जरमान, समंदरी लुटेरा कज़ाक बिन रज़ाक खजाने के लालच में मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जबकि मैं खुद नहीं जानती कि खजाना। समंदर के किनारे सिंधबाद का जहाज मौजूद है, इसका मतलब है कहकशा, कहकशा इसी जजीरे पर उतरी होगी। हाँ सरदार, वो यहाँ पहुँचने से पहले यही जहाज पर थी और अब नहीं है, यानी कि वो इसी जजीरे पर है। मगर कहकशा और उसके साथी यहाँ क्या करने आए हैं? फल, तरकारियाँ, खाने पीने की चीजें लेने आया सरदार। चुप कर बेवकूफ, खाने पीने के अलावा भी कुछ सोचा कर। खा खा के मोटू और पी पी के पेटू हो गया तू। हाँ सरदार, अब बात समझ में आई। अच्छा अच्छा, बता बता क्या बात समझ में आ गई तुझे? हाँ वो देखिए सरदार, लोग सजने संवरने की चीजों पर किस तरह टूट रहे हैं सरदार। हाँ तो इसका कहकशा से क्या ताल्लुक? कहकशा भी आखिर औरत है ना सरदार। क्या मतलब? सरदार, कहकशा भी दिलरुबा की तरह जेवर और कपड़े खरीदने आई है सरदार। बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आया है तू, दज्जाल के बच्चे। भूल हो गई सरदार। भूल के बच्चे, अकल के कच्चे। कहकशा यहाँ कपड़े वपड़े खरीदने आई है, जैसे कि दिलरुबा खरीदने गई है। हाँ, दिलरुबा यहाँ सिर्फ कपड़े खरीदने आई है, नहीं ना? तो फिर किस अहम काम से आई है? हाँ, कहकशा के पीछे सरदार। हाँ हाँ, अब तू ठीक समझा। तो फिर कहकशा भी किसी खास काम के पीछे आई होगी, है ना? वाह सरदार, वाह, आप बहुत अकलमंद है सरदार। चुप रह बेवकूफ। वो तो मैं हूँ, अगर मैं अकलमंद नहीं होता तो कज़ाक बिन रज़ाक कैसे होता, तुम्हारा सरदार कैसे होता? और तुम्हारा ये मुंह बंद रख। सरदार, सरदार वो देखिए सरदार, कहकशा तो नहीं मिली सरदार, लेकिन सिंधबाद के जहाज के मल्ला वो आ रहे सरदार। अरे वाह, वो तो इधर ही आ रहे हैं, इन्हीं को पकड़कर इनसे पूछ लेते हैं। ये क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो हमारा। रास्ता भी छोड़ देंगे और तुम्हें भी छोड़ देंगे, मगर जाते जाते इतना तो बता दो कि कहकशा कहाँ है। अच्छा, तो तुमने रास्ता इसलिए रोका है, तुम्हें कहकशा का पता चाहिए। बगैर कहकशा का पता बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा और बड़े आराम से यहां से चला भी जाऊंगा, लेकिन कहकशा का नहीं। तो फिर किसका? उसी का, जिसे देखकर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी? हाँ, सिर्फ नानी ही नहीं, तुम दोनों बेहोश होकर गिर भी जाओगे। कौन है वो? तुम्हारा बाप, अंदर जितना बाहर उतना, उसका नाम है तूतन फितना। वो देखो। तूतन फितना, तूतन फितना, तूतन फितना।
जहाज बीच समंदर में पहुंच चुका है, तो बताइए कि अब इसे किस सिमत में मोड़ा जाए। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो, तुझे तेरा आका आसिफ तलब करता है। आका आसिफ, हुक्म कीजिए। हम आका सिंदबाद की तलाश में हैं, इसलिए हमें बताओ कि जहाज को किस रुख पर मोड़ा जाए। आका आसिफ, जहाज को सीधे शुमाल की सिमत में आगे बढ़ाते रहिए, इंशाल्लाह जल्द ही जजीरे चकमाक आ जाएगा। आका सिंदबाद जजीरे चकमाक में ही है। सिंदबाद खैरियत से तो है? खैरियत से है और बहुत खुश है। खुशखबरी ये है कि आका सिंदबाद ने जजीरे चकमाक के जंगली कबीले के सरदार जिंगारू की बेटी जरनिगार से शादी कर ली है। क्या? सिंदबाद ने शादी कर ली है? हाँ, ये तो कमाल की खबर है। मगर अफसोस कि हम उस शादी का मंजर देखने से महरूम रह गए। शहजादी तस्वीर का तिलिस्मी आईना होता तो कम से कम हम ये शादी का मंजर उसमें तो देख सकते थे। वो मंजर तुम अब भी देख सकती हो। सच? सच? शहजादी तस्वीर, तुमने तो जैसे हमें शादी के मंजर में ही पहुंचा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल-नासिर, जहाज को सीधे शुमाल की तरफ बढ़ाते रहो। जो होती बगदाद में शादी के बाद दुल्हन इस तरह घूंघट निकाल कर रखती है। अच्छा? हाँ। और क्या करती है बगदाद की दुल्हनें? और शर्माती है। कैसे शर्माती है? जिस तरह मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता, उसी तरह लड़की को शर्माना सिखाया नहीं जाता। शर्म की लाली और हया की सुर्खी तो कुदरती तौर पर लड़की के चेहरे की जीनत होती है, और हिजाब से लड़की की पलकें खुद ब खुद झुक जाती हैं। क्या हुआ, अचानक हंसने क्यों लगे? तुम्हारी मासूमियत देखकर ख्याल आ गया कि शादी की यह मुसीबत तुमने खुद ही अपने गले में डाली है, और साथ ही साथ मुझे भी बड़ी मुश्किल में ढकेल दिया है। हमारी शादी मेरे लिए मुसीबत नहीं है, ये फैसला मेरा ही था। मगर तुम किस मुश्किल की बात कर रहे हो? क्या शहरे खामोशा? हाँ जरनिगार, कबीले की रस्म से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, मगर शहर खामोशा मेरे यहां आने का असल मकसद है, जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। भूलना भी नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि एक बीवी की हैसियत से
शोहर की जिंदगी का जो मकसद होता है उसमें बीवी को हर तरह से मदद करनी चाहिए। अब हम दोनों का मकसद एक है। क्या मतलब? तुम अपना मकसद भूल ना जाओ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है सिंदबाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहर खामोशा की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ये क्या कह रही हो जरनिगार? मेरा मतलब है, माजीमान ने कहा था जब सिंदबाद जजीरे चकमाक से काली तिलस्मी खोपड़ी ले जाएगा तो ये जजीरा शाह कोकब की तिलस्मी आफतों और शैतानी ताकतों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो क्या माजिम्बा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब मैं काली तिलस्मी खोपड़ी को हासिल करके यहाँ से चला जाऊंगा तो जरनिगार मेरे साथ होगी या नहीं? माजिम्बा से ये बात मैंने पूछी ही नहीं। तो आओ अभी जाकर पूछ लेते हैं। नहीं नहीं। क्या बात है जरनिगार, माजिम्बा के पास जाने की बात को लेकर तुम इतना घबरा क्यों गई? मेरा मतलब था माजिम्बा के पास जाने का ये भी कोई वक्त है। अच्छा मैं समझ गया। उठ जाओ भाई। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, यहां बाजार में क्यों पड़े हो? जाओ कुछ अपना काम करो, जाओ। कमाल है, शराब पी के कहीं भी पड़े रहते हैं। अच्छा हुआ तूतन फितने का भूत चला गया। मैंने तो तूतन फितने को अपने खंजर से कत्ल किया था, फिर भी नहीं मरा। मरता वो है जो जिंदा होता है सरदार। दज्जाल, तुम ठीक ही कहते हो, वो जरूर जरूर तूतन फितने का भूत ही था। अब मान गए ना सरदार, जब बार बार बोलता था तो आप मेरी बात नहीं मानते थे, उल्टा मेरे गाल पर थप्पड़ मारते थे सरदार। दज्जाल के बच्चे अपना मुंह बंद रख, वरना बाएं हाथ का ऐसा जड़ूंगा कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। अच्छी जबरदस्ती है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। दज्जाल, हम दोनों अगर यूं ही तू तू मैं करते रहेंगे तो कारून का खजाना हमारे हाथों से मीलो दूर चला जाएगा। इसलिए यहां से निकल चलो ताकि हम कहकशा को ढूंढ सकें, ढूंढ सकें। कहकशा तो आप जरूर कहीं छुप गई होगी सरदार। कहकशा जमीन की गहराई में छुप जाए या आसमान में जाकर छुप जाए, मैं उसे आसानी से ढूंढ निकालूंगा। वो मेरी नजरों से छुप नहीं सकती। सरदार आप तो बड़े एतमाद और भरोसे से कह रहे हैं, मगर कहकशा को ढूंढेंगे कैसे आप? दज्जाल, फाल देखने का थोड़ा तजुर्बा मुझे भी है। अच्छा सरदार। चल। सब्ज़ परी हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म कर कज़ाक। ऐ सब्ज़ परी, तू तो जानती है कि कहकशा मेरे लिए कारून के खजाने की कुंजी है। वो मेरे हाथ आकर हाथ से निकल गई है। बता बता वो कहाँ है, कितनी दूर गई है? कज़ाक, तू मुझसे अपना अच्छा बुरा मकसद हासिल करने के लिए मदद चाहता है, मगर मैं तुझे हर बात बताने पर मजबूर नहीं हूँ। इसी तरह
मैं ये बात बताने के लिए पाबंद नहीं हूँ कि कहकशा कहाँ पर है। ठीक है, तो फिर मैं तुझे तेरे फर्ज के तहत ही मजबूर करता हूँ, और तू मेरे इस सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें बताना होगा। पूछ है कज़ा, क्या पूछना चाहता है? हाँ, सिंदबाद का जहाज किस सिमत में गया है? ए कज़ा, तू दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाना जानता है। कज़ा की और लूट खसोट के लिए दूसरों को मजबूर करना बहुत जरूरी होता है। जल्दी जल्दी बता, वक्त जाया ना कर। तो सुन, सिंदबाद का जहाज सीधे शुमाल के रुख में चला जा रहा है। और कहकशा उस जहाज पर मौजूद है। तूने नहीं बताया मगर मैं जान गया। कज़ाक, तू बहुत मक्कार है। वो तो मैं हूँ। हाँ, मक्कारों का मक्कार कज़ाक बिन रज़ाक। अब तू जा, अब जा। सब्ज़ परी। अरे बेटी जरनिगार, तू भी इतने सवेरे सवेरे उठ गई? मेरी तो आदत है सुबह सुबह उठने की बाबा। पहले की बात और थी, अब तुझे तकलीफ नहीं करनी चाहिए। फिर तू तो कल की दुल्हन है। दुल्हन हो तो क्या हुआ, अपने बाबा का ख्याल करना छोड़ दूं? मेरे अलावा इस दुनिया में आपका है ही कौन? अम्मी तो अरे अरे, तू रो क्यों रही है पगली? तेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? तेरी यादें तो रहेंगी ना मेरे साथ? मेरी यादें मेरी तरह आपकी मनपसंद खीर बनाकर खिलाएंगी क्या? ये लीजिए खीर खाइए। हाँ, अच्छा तो ससुराल जाते जाते लाड हो रहा है, हमें पूछने वाला कौन है? हाँ हाँ पता है सब, जब भी मैं खीर बनाती हूँ तुम दोनों की नाकों तक खुशबू पहुँच ही जाती है। ये लो तुम्हारे लिए खीर। तुम कितनी अच्छी हो जरनिगार, हमारा कितना ख्याल रखती हो। मैंने तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखा है। तुम दोनों मेरे जाने के बाद मेरे बाबा का हमेशा ख्याल रखना, समझे? जरूर। मेरे बाबा को ये एहसास न हो कि उनकी बेटी शादी के बाद उनसे कितनी दूर चली गई है। जरनिगार तुम फिक्र मत करो, हम सरदार को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आखिर हम भी तो सरदार को तुम्हारी तरह अपना बाबा ही समझते हैं जरनिगार। बाबा, हमारा घर है तो एक झोपड़ा, मगर मुझे बहुत याद आएगा क्योंकि इसी झोपड़ी में मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ,
इस घर से जाते हुए कलेजा मुंह को आता है। मत रो बेटी, मत रो, यूं आंसू मत बहा। सिंदबाद देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छे बाबा, खुदा हाफिज़। कबीले की रस्म से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी तो कर ली, मगर शहरे खामोशा मेरे यहां आने का असल मकसद था, जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। तुम अपना मकसद भूल ना जाओ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है सिंदबाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहरे खामोशा की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। आज मैं अपना ये घर छोड़कर जा रही हूं। ये घर और इस घर की एक एक चीजें जिनसे मुझे बेइंतहा प्यार है, मुझसे छूट जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगी। देखो सिंदबाद, तुम माजिम्बा से यही पूछने गए हो ना कि मैं हर सफर में तुम्हारी हम सफर रहूंगी या नहीं। सिंदबाद, मैं मरते दम तक तुम्हारी हम सफर रहूंगी। कबीले पर कुर्बान होने वाली कबीले की बहादुर बेटी, काश मैं अपने तिलिस्म से तेरी और तेरे कबीले की तकदीर बदल सकती तो फिर तुझे आज अपनी जान की कुर्बानी न देनी पड़ती। मैं होने को दिखा तो सकती हूं, मगर होने को टाल नहीं सकती। माजिम्बा, आओ सिंदबाद। माजिम्बा, तुम तो मुस्तकबिल का हाल जानती हो, तो फिर मुझे बताओ कि जब मैं जजीरा चकमाक से काली तिलिस्मी खोपड़ी अपने साथ ले जाऊंगा तो जरनिगार मेरे साथ होगी या नहीं होगी। सिंदबाद, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? माजिम्बा, ये सवाल असल में एक शक के बिना पर मेरे जहन में पैदा हुआ है। कैसा शक? ये शक असल में जरनिगार के अजीब रवैये की वजह से पैदा हुआ है। उसकी बातों के अल्फाज कुछ और होते हैं और उसके पीछे छुपे हुए मायने कुछ और। मुझे यूं लगता है जैसे कोई राज है जो अल्फाज के पर्दे में वो मुझसे छुपाना चाहती है। हाँ सिंदबाद, उसने ये बात सबसे छुपाई है, बता भी कैसे सकती थी। क्या हुआ माजिम्बा, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना माजिम्बा। देख पाओगे? क्यों नहीं,
तो आओ। ये तो जरनिगार है। हाँ सिंदबाद। कहीं हूँ जहरीला फल सिमालू तो नहीं खा रही है? हाँ सिंदबाद, ये सिमालूद ही है, कातिल फल। नहीं जरनिगार, जरनिगार जरूर खुदकुशी करना चाहती है मुझे शहर खामोशा भेजने के लिए। मजिम्बा, मजिम्बा, मुस्तकबिल का ये खौफनाक मंजर मेरी नजरों से हटा लो। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। सिंदबाद। क्या हुआ मजिम्बा? सिंदबाद, जो तुम देख रहे थे वो मुस्तकबिल नहीं था, कोई आने वाला दिन भी नहीं, हाल है। जो देख रहे हो वो इसी वक्त हो रहा है। नहीं, नहीं। हाँ सिंदबाद, ये हाल है और मुस्तकबिल ये है कि जरनिगार तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। नहीं, नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, हरगिज मरने नहीं दूंगा। मौत को भी कोई रोक सकता है? जरनिगार, जरनिगार, जरा देखो इस पागल लड़की को, जहर खा लिया तुम्हारी जरनिगार ने। जरनिगार, ये क्या किया तुमने? जरनिगार बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है सिंदबाद, तुम्हारे नेक मकसद की खातिर। ये कदम उठाने का फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया था। नहीं जरनिगार, मैं अपने मकसद को हासिल जरूर करना चाहता था मगर इस कीमत पर नहीं, इस कीमत पर नहीं। मेरे मकसद की खातिर तुम अपनी जान पर खेल गई? तुम्हारा मकसद ही तो मेरा मकसद है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर शहर खामोशा की मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। नहीं जरनिगार, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। तुम मेरे मकसद की खातिर कुर्बान हो जाना चाहती हो मगर तुम्हारे शौहर सिंदबाद को तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं, तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं। सरदार जिंगारू, क्या जरनिगार के जिस्म से इस जहर को निकालने का कोई रास्ता, कोई तरकीब नहीं? नहीं सिंदबाद, हमने सारी जड़ी बूटियां आजमा कर देख ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या हम बेबसी से जरनिगार की मौत का तमाशा देखेंगे? आखिर इस कातिल जहर का कोई तो इलाज होगा। सिर्फ एक ही इलाज है सिंदबाद। क्या है वो इलाज, जल्दी बताइए सरदार जिंगारू, क्या है वो इलाज? इस कातिल जहर का त्रियाक यानी जहर का तोड़ चकमाक जिन के पास है। जहर का वो त्रियाक अगर जरनिगार की जान बचा सकता है तो मैं अभी चकमाक के पास जाता हूं। चकमाक के पास तो हम भी जा सकते थे सिंदबाद, मगर जालिम चकमाक जरनिगार की जान बचाने के लिए वो जहर का त्रियाक हमें क्यों देगा भला?
उंगली टेढ़ी किए बिना घी नहीं निकलता सरदार। अगर चकमाक शराफत से राजी नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती उससे तिरियाक छीन लूंगा। मगर सिंदबाद, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। जकाला भी तुम्हारे साथ चलेगी। नहीं जकाला, आज नहीं, इस वक्त मैं अकेले ही जाऊंगा। मगर सिंदबाद, चकमाक शैतानी और तिलस्मी ताकतों का मालिक है। सिंदबाद का अल्लाह मालिक है जकाला, तुम यहीं रहो। जन्निगार की आंखें जहर के असर से बंद हुई जा रही है, तुम इसे सोने मत देना जकाला, इसे जगाए रखना। मैं जा रहा। मर, खा और खा, दिन रात खाने के सिवा तुझे काम ही क्या है? हंसता क्या है बेहया मर्दूत? अपनी बूढ़ी माँ का कुछ ख्याल नहीं है तुझे? माँ, तू तो बिल्कुल आदमजादों की तरह बातें कर रही है। चुप करना लायक, खामोशी से खाना खा ले। दिन रात रोटियाँ पकाते पकाते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अब नहीं होता मुझसे, मैं तो आज ही जा रही हूँ कोहे काफ। तू कोहे काफ चली जाएगी तो मुझे खाना बनाकर कौन देगा माँ? अपने जादू से तिलस्मी रोटियाँ बना बना कर खाना। जो मजा तेरे हाथ की बनी रोटियों में है वो मजा तिलस्मी रोटियों में कहाँ मिलता है माँ? तिलस्मी रोटियाँ तो फीकी फीकी लगती हैं। तो फिर तू भी चल मेरे साथ कोहे काफ। इस जजीरे में रखा ही क्या है बेटे? मैं अपना काम छोड़कर कोहे काफ नहीं जा सकता माँ। काम? खाने के अलावा भी तेरा कोई काम है क्या? हाँ माँ, शाह जुलान कोकब ने मुझे आदमजादों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए यहाँ भेजा है माँ। अच्छा, कोकब ने जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? हाँ हाँ माँ। मगर तूने आखिर कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ा है अब तक? दिन रात बस रोटियाँ ही तोड़ता रहता है। माँ, जुल्म ढाने के लिए पेट में रोटियाँ तो चाहिए ना। रोटी रोटी रोटी, मैं तो तंग आ गई तेरी रोटियों की भूख से। अच्छा है अगर किसी दिन तू वो आखिरी रोटी भी खा ले तो किस्सा ही खत्म हो। कैसी बात करती है तू, आखिरी रोटी में तो मेरी जान है, उस तिलस्मी रोटी को तोड़ते ही तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, तू ऐसे नहीं मर सकता चकमा, तू तो अपनी बूढ़ी माँ को मार कर ही मरेगा। रोटियाँ पकाते पकाते मैं ही एक दिन मर जाऊंगी, तब ले जाना मेरा जनाजा कोहे काफ। अरे तू तो रोने लगी माँ। रोऊं नहीं तो क्या करूँ, न खुद कोहे काफ चलता है न मुझे जाने देता है। अच्छा तू रो मत माँ, तू कोहे काफ जाना चाहती है ना, तू चली जा, अभी चली जा। ठीक है चकमा, मैं जाती हूँ, कोहे काफ से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तेरे लिए भेजूंगी और शाह जिन्नात से तेरे लिए तावीज भी बनवाऊंगी। शाह जिन्नात से तावीज? तावीज किस लिए माँ? क्योंकि मुझे शक है तुझ पर कोई आदमजात सवार हो गया है। आदमजात सवार हो गया है मुझ पर? हाँ बेटा, जिस तरह आदमजादों पर जिन्नात सवार हो जाते हैं उसी तरह कोई आदमजात का बुरा साया तुझ पर पड़ गया है। अच्छा माँ, अब तू जा, मेरा भेजा मत खा, मुझे खाना खाने दे, वैसे भी आज तूने बहुत कम रोटियाँ बनाई हैं। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ, अपना ख्याल रखना, बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। हाँ तिलस्मी खत भेजते रहना। हाँ हाँ माँ, तू जा तू जा। Ha 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 ha!
सिंदबाद हकीर आदमजाद, तू फिर आ गया मेरे आका चकमाक के तिलिस्मी गार में। हाँ, मगर अच्छा हुआ कि चकमाक से पहले तू मेरे सामने आ गया तिलिस्मी मुखबिर। पिछली बार तो तू हमें हमारे ही घर में जलील करके जिंदा सलामत वापस चला गया था सिंदबाद, मगर आज बच कर नहीं जा पाएगा। आज हम गिन गिन कर अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है शैतान के चेले। खुदा जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। अगर ऐसा ही है तो आज तेरी बारी है सिंदबाद। हम तुझे ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि तेरी इज्जत और शोहरत खाक में मिल जाए और फिर कोई आदमजाद मेरे आका चकमा की तरफ नजर उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं कर सके। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी बीवी जरनिगार जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है। मैं चकमाक से तेरी आंख लेने आया हूँ। ओ, तो तू जहर का तिरयाक लेने आया है? हाँ, और उस जहर के तिरयाक को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से वापस तो तू उस सूरत में जाएगा सिंदबाद, जब जिंदा बचेगा। और तू क्या समझता है कि मेरा आका चकमाक तेरे हुक्म का गुलाम है जो तुझे इतनी आसानी से जहर का तिरयाक दे देगा, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे तू आका चकमाक से छीन कर ले गया था। वो लड़की अब मेरी जिंदगी है, मेरी शरीक हयात है तिलिस्मी मुखबिर। और अब उस जहर का तोड़ हासिल करने की तरकीब तू मुझे बताएगा। मैं इतना बेवकूफ, इतना अहमक नहीं हूं सिंदबाद, जितना तू मुझे समझता है। मैं भला तिरयाक हासिल करने की तरकीब तुझे क्यों बताऊंगा? अपनी जान बचाने के लिए। नहीं सिंदबाद, नहीं। आप शारे कजा का ये कातिल तेजाब शैतानों का बनाया हुआ तिलिस्मी गरबा है, जो अक्सर तुम जैसे शैतानों को काबू करने के काम आता है। मगर मैं जानता हूं कि इस कातिल तेजाब से तू तो मर सकता है, मगर तेरा आका नहीं। मेरा आका इतना मामूली जिन नहीं कि इतनी जल्दी हलाक हो जाए, क्योंकि तेरा आका चकमाक ने अपनी जान कहीं और महफूज कर रखी है, यही ना? हाँ, वो राज अगर मैं तुझे बता दूं तो चकमाक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर चकमाक की जान का राज तू मुझे नहीं बताएगा तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा तिलिस्मी मुखबिर। नहीं सिंदबाद, नहीं, इस कातिल तेजाब को मुझसे दूर ही रखो। चकमाक की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की हिमाकत मत कर तिलिस्मी मुखबिर। अगर इस कातिल तेजाब से बचना चाहता है तो जल्दी बता कि चकमाक ने अपनी जान किस चीज में महफूज कर रखी है और वो कैसे मर सकता है। मेरे आका चकमाक की जान एक तिलिस्मी रोटी में महफूज है सिंदबाद। तिलिस्मी रोटी? हाँ, तिलिस्मी रोटी। मेरा आका चकमाक जो रोटियां खाता है उसमें से आखिरी रोटी को कभी हाथ नहीं लगाता, उसी आखिरी रोटी में उसकी जान है। तो उस जालिम शैतान के पास थोड़ी बहुत अक्ल भी है। उसने अपनी जान एक ऐसी चीज में छुपा रखी है जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता, और रोटियां तो हमेशा उसके पास ही रखी रहती है। चकमाक की मौत का राज तुम जान चुके हो सिंदबाद, अब इस कातिल तेजाब को मुझसे दूर हटा लो। चकमाक की जिंदगी और मौत के राज के बदले मैंने तेरी जान बख्शी, अब अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से गायब हो जाओ। लिए तो अब यही आखिरी रोटी है।
इसे ना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी जान निकल रही है, और इस आखिरी रोटी को खाऊंगा तो सचमुच मेरी जान निकल जाएगी। फिर आ गए? हाँ। जरनिगार को तो तू पहले ही ले जा चुका है, अब क्या लेने आया है? अब जरनिगार की जिंदगी लेने आया हूँ। क्या मतलब? मुझे वो तिरियाक चाहिए चकमाक, जो किसी भी जहर के असर को जाहिल कर देता है। जरनिगार ने जहर खा लिया है। जरनिगार ने जहर खा लिया है? जो मुझे जहर खिलाकर कत्ल करना चाहती थी उसने खुद जहर खा लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मरने दो मेरी जान की दुश्मन को। नहीं चकमाक, जरनिगार अब मेरी बीवी है और उसकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे हरगिज हरगिज मरने नहीं दूंगा। निगार को तू पहले ही ले जा चुका है, अब क्या लेने आया है? मुझे वो तिरियाक चाहिए चकमाक, जो किसी भी जहर के असर को जाहिल कर देता है। जरनिगार ने जहर खा लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मरने दो मेरी जान की दुश्मन को। नहीं चकमाक, जरनिगार अब मेरी बीवी है और उसकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे हरगिज हरगिज नहीं मरने दूंगा, और वो तिरियाक हर हाल में तुमसे हासिल करूंगा। मेरे आका चकमाक की जान एक तिलिस्मी रोटी में महफूज है सिंदबाद। ऐ आदमजाद, मेरी मर्जी के बिना त्रियाक को छूना तो दूर, कोई देख भी नहीं सकता। मेरे पास वक्त नहीं है चकमाक, वो त्रियाक मुझे दे दे। क्यों दूं त्रियाक? क्योंकि वो त्रियाक देकर तू न सिर्फ जरनिगार की बल्कि खुद अपनी जिंदगी भी बचा सकता है। चकमाक, सीधे सीधे वो त्रियाक मेरे हवाले कर दे। मुझे मौत की धमकी दे रहा है नादान? तू तो सिर्फ एक हकीर आदमजाद है। तेरी जगह अगर मौत का फरिश्ता भी आ जाए तो मेरी जान लेने के लिए मेरी जिंदगी और मेरी जान कहाँ छुपी है, ढूंढना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ चकमाक, वो त्रियाक मेरे हवाले कर दे। त्रियाक, 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 तू मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहता है ना? ये रहा त्रियाक, छीन छीन मुझसे, ले ले त्रियाक। चकमाक, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं 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 सिंबाद, नहीं 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 जरनिगार के जिस्म से जहर का असर खत्म करने के लिए इतना सा त्रियाक काफी है।
बेमकसद जिंदगी की कोई चाहत नहीं, कोई तलब नहीं, न मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर बनना चाहती हूँ। जनिगार, अपनी सांसों को बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा है, अब इस डोर को तोड़ देने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं जनिगार, नहीं, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह जाने नहीं दूंगा। मेरी सरताज, अपनी मौत का इंतखाब मैंने खुद किया है। मौत मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम मुझे जरनिगार की इस मुकद्दस कुर्बानी की कसम है, मैं इस मासूम कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। जरनिगार ने जजीरा चकमाक की भलाई और मेरे मकसद की तकमील के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, इसलिए मैं इस कबीले और इस जजीरे के हर इंसान को शैतानी ताकतों के चुंगल से आजाद कराने के लिए अपनी भी जान लड़ा दूंगा। खुदाया, मुझे मेरी इस मुहिम में कामयाब करना मुझे। नहीं 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 नहीं, ये कैसी मनहूस खबर लेकर आया है तिलस्मी मुखबिर? पहले शाह जोम्बा और अब चकमाक भी मारा गया। हाँ शाह कोकब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर आपको खबरदार करना भी जरूरी था। खबरदार? अब खबरदार करने से क्या फायदा? चकमाक तो गया अपनी जान से, मगर मुझे यह समझ में नहीं आता कि सिंदबाद जिंदा कैसे बच गया। मैंने तो हबीस खरबान को मौत का फरिश्ता बनाकर सिंदबाद की रूह को कब्ज करने भेजा था, कैसे बच गया सिंदबाद? कैसे? खबीस खरबान को अगर आप मौत का फरिश्ता समझते हैं तो सिंदबाद भी किसी नेकी के फरिश्ते से कम नहीं। हर मुश्किल हर मुसीबत में उसकी कोई नेकी काम आ जाती है और हर बार हमारा तिलस्मी जाल तोड़कर वो निकल जाता है। बस बस तिलस्मी मुखबिर, बस। शाहे जुलान के सामने
सिंधबाद जैसे दुश्मन की इतनी तारीफ ना कर इतनी तारीफ, वरना मैं तुझे भी तेरे आका चकमाक के पास भेजने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। हाँ, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ शाह को। कब? सिंधबाद कमबख्त, ये कैसा आदमजाद है, कितनी सख्त जान है ये, जो किसी तिलिस्म किसी जादू से भी नहीं मरता। शाह जुलान को मात पे मात किए जा रहा है, मैं करूं तो क्या करूं मैं। हाँ, अगर शाह जुलान इजाजत दें तो सोए हुए शैतान खबीस खरबान को एक बार फिर बेदार करो। नहीं, नाम मत लो उस जाहिल काहिल शैतान का, हमेशा ख्वाबे गफलत में रहने वाला वो खबीस, एक दिन ऐसी ही गफलत में मेरे हाथों मारा जाएगा। आखिर सिंधबाद को कौन रोकेगा? शाह जुलान की तिलस्मी शतरंज में अभी मोरे खत्म नहीं हुई है। सिंधबाद भले ही हमें मात पे मात दिया जा रहा है, मगर हम भी ऐसी चाल चलेंगे, आखिर में बाजी हमारी होगी, बाजी हम ही जीतेंगे। हाँ, आखिर ऐसा कौन सा शाह मोहरा है मेरे आका शाह कोकब के पास? अक्कास। अक्कास। अक्कास? हाँ, जादूगर अक्कास। मगर जादूगर अक्कास तो सिंधबाद के हाथों मारा जा चुका है। अक्कास, जादूगर अक्कास कोई मामूली जादूगर नहीं है तिलस्मी मुखबिर, कोई मामूली जादूगर नहीं है। जादूगर अक्कास तिलस्मी शतरंज का जबरदस्त ताकतवर मोहरा है, वो शतरंज की बिसात से हट भी जाए तो दुश्मन को जीतने का मौका नहीं देता। आपका मतलब है कि जादूगर अक्कास अभी तक जिंदा है? हाँ, अक्कास जिंदा है अभी तक अक्कास। वो इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। आपकी इन्हीं तिलिस्मी चालबाजियों की वजह से तो हम आपको अपना आका मानते हैं शाह कोकब। तिलिस्मी मुखबिर, जादूगर अक्कास के जिंदा होने की खबर से जब तू इतना हैरान है तो सोच सोच सिंधबाद कितना हैरान होगा, कितना हैरान होगा सिंधबाद। तो क्या शाह जुलान एक बार फिर जादूगर अक्कास को सिंधबाद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? यकीनन, बेशक तिलस्मी मुखबिर। अब तू भी देखिए तमाशा। तस्वीरों के सौदागर जादूगर अक्कास, तेरा आका शाह जुलान कोकब तुझे हुक्म देता है, हाजिर हो, जाहिर हो, जादूगर अक्कास हाजिर हो।
अक्कास तिलस्मी तस्वीरों का सौदागर जादूगर अक्कास हाजिर है शाहे जुलान। खुशामदीद खुशामदीद जादूगर अक्कास खुशामदीद। कमाल है जादूगर अक्कास, दुनिया समझती है कि तुम मर चुके हो मगर तुम तो जिंदा हो। अक्कास हाँ तिलस्मी मुखबिर, अक्कास जिंदा है क्योंकि अक्कास को मारना इतना आसान नहीं। बेवकूफ सिंधबाद समझता था कि मेरी तस्वीर जलाकर मुझे राख कर देगा। तिलस्मी तस्वीर जलाने से अगर अक्कास मर जाता तो आम इंसान और अक्कास में फर्क ही क्या रह जाता। जादूगर अक्कास, तेरी जिंदगी और मौत एक ऐसा राज है जिसे हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिलहाल तू इतना समझ ले अक्कास, सिंधबाद ने चकमाक जिनको हलाक कर दिया है। अक्कास और अब वो तिलस्मी काली खोपड़ी पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा। अगर सिंधबाद काली तिलस्मी खोपड़ी हासिल करने में कामयाब हो भी गया तो जजीराए चकमाक से फरार होने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएगा शाहे जुलान, क्योंकि मैं सिंधबाद को कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अक्कास शाबाश शाबाश जादूगर अक्कास शाबाश, हमें तुझसे यही उम्मीद थी। बेहतर है तू फौरन यहां से रवाना हो जा जजीराए चकमाक की तरफ। फिलहाल मेरी रवानगी मुमकिन नहीं शाहे कोकब। मुमकिन नहीं, फिलहाल मुमकिन नहीं, मगर क्यों? जजीराए चकमाक जाने से पहले मैं वो तिलस्मी शीशा तो तैयार कर लूं जिसमें सिंधबाद को कैद करके हलाक करना है। ओ अक्कास, अरे हां जादूगर अक्कास, ये तो मैं भूल ही गया कि तेरी एक जिंदगी खत्म हो चुकी है और पिछली जिंदगी के साथ कागज की तिलस्मी दुनिया खत्म हो चुकी है। अक्कास और मेरी नई जिंदगी के साथ शीशे की तिलस्मी तस्वीरों का दौर शुरू होगा। अक्कास जिस किसी की तस्वीर शीशे में उतार लेगा उसका बचना मुहाल हो जाएगा। ओह तो तू जल्द से जल्द वो तिलस्मी शीशा बना ताकि उस तिलस्मी शीशे में सिंधबाद को अपनी मौत सामने नजर आए। तो इजाजत दे शाहे को कब, थोड़ी मोहलत दे और एहतियात के तौर पर खबीस खरबान को जजीराए चकमाक रवाना कर दे। नहीं, वो नालायक खबीस किसी काम का नहीं है। अक्कास मैं जानता हूं कि सिंधबाद इतना चालाक है कि खबीस खरबान जैसा शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर खबीस खरबान कम से कम सिंधबाद की मुश्किलें तो बढ़ा ही सकता है। इस तरह मुझे भी मोहलत मिल जाएगी। तो ठीक है तिलस्मी मुखबिर। जो हुक्म आका। अब मुझे भी इजाजत दें शाहे को कब। अक्का